दोस्तों नमस्कार, दिस इज रिंकू मौर्या एंड वेलकम टू इन्वेस्टिंग विथ मौर्या जी चैनल। जैसे आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर रोज पार्क जाते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, सैर सपाटा करते हैं, वैसे ही आपको अपने धन यानी कि रुपए पैसे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको हर महीने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर साल महंगाई दर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कि आपके रुपए यानी पैसे की जो कीमत है वो कम होती जा रही है। तो जैसे आपको पैसा कमाना ज़रूरी है, वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि सर हमें 5 सालों में 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, ये कैसे होगा। म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएँ दोस्तों, आपको कुछ पॉइंट्स अपना क्लियर करना ज़रूरी होता है, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। गोल जो होता है 3 तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है मीडियम टर्म और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो इस तरीके से आपको अपना गोल सेट करना है। दूसरा है कि आप कितना रिस्क लेने वाले व्यक्ति हैं, क्या आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं, मीडियम रिस्क या लो रिस्क लेने वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा है कि आप टाइम कितना देना चाहते हैं, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए आ रहे हैं, आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लमसम के थ्रू करना चाहते हैं, SIP के थ्रू भी आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर मंथ, ये सारी चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी होती है दोस्तों, फिर जा कर के एक म्यूचुअल फंड जो है सेलेक्ट करके आपको सजेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड से यदि आपको अच्छा रिटर्न बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। यदि आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए आते हैं तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ जाता है और रिटर्न जो होता है उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, रिटर्न आपको यहाँ पे कम मिलता है, जिसके वजह से कि आपके जो शॉर्ट टर्म के जो गोल्स हैं या मीडियम टर्म के जो गोल हैं वो मार्केट यदि अच्छे से परफॉर्म कर गया तो आपके गोल अचीव हो सकते हैं, लेकिन यदि मार्केट थोड़ा सा यदि डायरेक्शन में नहीं गया तो वहाँ पे थोड़ा आपका गोल जो है गड़बड़ा सकता है। दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय कुछ मैट्रिक्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे एक तो हम टाइम और दूसरा है रिस्क का लेवल, इस तीन दोनों के आधार पे हम यहाँ म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और यदि आप कोई और म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, तो आपको अपनी जो मैट्रिक्स है यही वाली मैट्रिक्स आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्यूअर ने क्वेश्चन करा है कि उनका 5 साल का नज़रिया है, तो हम यहाँ पे मीडियम टर्म लेते हैं क्योंकि 5 साल के ऊपर के जो पीरियड के होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं। रिस्क का जो लेवल है वेरी हाई रिस्क है, मीडियम टू हाई रिस्क है और लो रिस्क है, 3 कैटेगरी के रिस्क है, क्योंकि हर इन्वेस्टर का जो है अलग अलग रिस्क अपेटाइट होता है, तो जो उनको सूट करता है उसी तरीके से म्यूचुअल फंड उनको सजेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मीडियम टर्म का है और वेरी हाई रिस्क आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे एक फंड हमने कैटेगरी चूज करी है, वो है फ्लेक्सी कैप फंड। तो यहाँ फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब दोस्तों ये होता है कि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सीबिलिटी होती है, वो हर एक साइज की कंपनी, हर एक सेक्टर की कंपनी को सेलेक्ट करता है और उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई बाउंडेशन नहीं होता है। जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है, जहाँ पे उसके रिसर्च के आधार पे मार्केट आउटलुक दिखता है, वो अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में डेप्ट फंड भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है या फिर आपका गोल्ड भी हो सकता है, जहाँ पे इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके अनुसार ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगेन वेरी हाई रिस्क यदि आपका है तो आप मीडियम टर्म में फ्लेक्सी कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका यदि मीडियम से हाई रिस्क है तो यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड या लार्ज कैप फंड, आप इन दोनों में कोई भी आप चूज कर सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में कुछ फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ इक्विटी का पोर्शन होता है, तो या तो आप बैलेंस फंड एडवांटेज फंड ले सकते हैं या लार्ज कैप फंड ले सकते हैं। तो लार्ज कैप फंड दोस्तों देखिए, इसको कभी भी आपको रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, चाहे लार्ज कैप हो चाहे बैलेंस एडवांटेज हो। लॉन्ग टर्म में बैलेंस एडवांटेज को आप कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, लार्ज कैप को भी आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए ही कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पे यदि कुछ इन्वेस्टर्स का जो रिस्क अपेटाइट होता है बहुत लो होता है, वो कहते हैं कि नहीं हमें हाई रिस्क नहीं लेना है, हमें मीडियम रिस्क भी नहीं चाहिए, हमें बहुत ही लो कैटेगरी का यानी लो रिस्क लेना है, वैसी कैटेगरी का कोई फंड आप सजेस्ट करिए।
तो और म्यूचुअल फंड में भी उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है। तो ऐसे केस में आपको देखिए इंडेक्स फंड के साथ जाना चाहिए। इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड में देखिए बस डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे जो लार्ज कैप फंड है इसमें फंड मैनेजर जो है एक्टिवली फंड को मैनेज करता है, तो वो एक्टिवली मैनेज करता है तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी उनका कमीशन वगैरह चार्जेस वगैरह होते हैं वो ज़्यादा होता है। लेकिन इंडेक्स फंड में वो चार्जेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्या यहाँ पर क्या होता है ना कि एक इंडेक्स को ये ट्रैक कर रहा होता है, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स यदि ले लें तो कोई म्यूचुअल फंड यदि निफ्टी 50 के इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है तो वो उसी कैटेगरी का फंड बनाएगा। तो निफ्टी 50 जितना परसेंट रिटर्न जनरेट करके देगा इंडेक्स फंड भी उतना ही देगा और एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो भी लॉन्ग टर्म की मैं पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में आप इंडेक्स फंड को भी आप ज़्यादा मतलब रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 12-13% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न इंडेक्स फंड में आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपका जो रिस्क है वो बहुत लो है तो आप इंडेक्स फंड को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रिस्क के आधार पे कुछ म्यूचुअल फंड हमने सेलेक्ट करे हैं, और अगेन जो म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊँगा वो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं, अपने जो भी फंड एडवाइजर है उनसे आप सलाह ले सकते हैं कि ये फंड कैसा है, क्योंकि हमने जो सेलेक्ट किया है कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं जिसको अप्लाई करते हुए हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो यदि आप मीडियम टर्म का आपका आउटलुक है, इवन लॉन्ग टर्म का भी यदि आउटलुक है और आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्लेक्सी कैप फंड हमने सेलेक्ट किया था, तो हाई रिस्क के केस में हमने यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को कंसीडर किया हुआ है। तो मीडियम टू हाई रिस्क में यहाँ पे हमने लार्ज कैप में 3 फंड सेलेक्ट किए हैं, एक है ICICI का ब्लू चिप फंड, दूसरा निपोन इंडिया का लार्ज कैप फंड और तीसरा है SBI का ब्लू चिप फंड। बैलेंस एडवांटेज में हमने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड यहाँ पे चूज़ करा हुआ है। अगेन आप इन फंड्स को आप अपने लेवल से इसको एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, देन आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। ये जो फंड है केवल और केवल मीडियम टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए आप इसको रख सकते हैं। अब जैसे आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप के फंड्स हैं या कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, ठीक है, या फिर वैल्यू फंड है, मोमेंटम फंड है, उसमें आप लार्ज कैप को एक जगह आपको देनी चाहिए, और मीडियम टर्म में आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप बैलेंस एडवांटेज फंड से भी आप म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हैं, और मेरी सलाह ये रहती है कि जो न्यू बिगनर्स हैं वो लोग एक बार लार्ज कैप से स्टार्ट करें, थोड़ा सा देखें किस तरीके से रिटर्न यहाँ बनता है, फिर आगे स्मॉल कैप या मिड कैप को वो जगह अपना दे सकते हैं। और अगेन लो रिस्क में हमने इंडेक्स फंड में 2 फंड यहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं, UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसको ये ट्रैक करता है, वहाँ से जो रिटर्न जितना बनता है वही रिटर्न आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। थोड़ा बहुत माइनर सा पॉइंट में डिफरेंस होता है लेकिन ओवरऑल रिटर्न का जो परसेंटेज वही रहता है। इसके बाद दोस्तों HDFC S&P BSE सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी यानी कि BSE में जो 30 कंपनीज हैं उसको ये ट्रैक करता है और उसके अकॉर्डिंग रिटर्न जनरेट करके देता है। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको कुछ पैरामीटर्स जरूर से देखना चाहिए तभी आप उस फंड को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए आपको पैरामीटर्स में म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय उसकी NAV देखनी चाहिए, AUM यानी कि कितना फंड जो है मैनेज किया जा रहा है, साइज उसकी कितनी है, और जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से वो कंसिस्टेंटली कितना रिटर्न CAGR का जनरेट करके दिया हुआ है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, अल्फा बीटा कितना उसका है। अल्फा बेसिकली मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, यदि आप कमेंट करेंगे मैं बताऊंगा, और बीटा भी देखना चाहिए और उसकी होल्डिंग भी चेक करनी चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स जो आपको ध्यान देना जरूरी है, और यहाँ पे जगह नहीं था, एक होता है फंड मैनेजर का, वो भी आपको चेक करना चाहिए कि कौन फंड को मैनेज कर रहा है, ये सारे पैरामीटर्स आपको एक बार चेक जरूर करना चाहिए। तो जो सबसे पहला फंड हमने चूज किया था वो था पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। अभी की NAV यदि देखी जाए, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी 68 रुपये के आसपास NAV चल रही है, और ये NAV फिक्स नहीं रहती है दोस्तों, ये हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है, हर दिन फ्लक्चुएशन होता रहता है, जब जब मार्केट चलेगा NAV भी घटती बढ़ती रहती है। AUM की बात की जाए तो 48,000 करोड़ का जो है फंड यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है।
AUM बेसिकली इन्वेस्टर्स के भरोसे को शो करता है कि लोग कितना भरोसा किए हुए हैं इस फंड पर, क्योंकि पिछले समय में काफ़ी रिटर्न अच्छा बना के दिया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का फ्लो इसमें आ रहा है। रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 20% के आसपास जब से ये फंड लॉन्च की हुआ है तब से ऑन एन एवरेज 20% का हर साल रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.62% है जो कि काफ़ी अच्छा है। अल्फा की बात की जाए तो 7.73% है। अल्फा बेसिकली होता है कि आप हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क सेट होता है, उस बेंचमार्क को यदि बीट करके जितना भी वो रिटर्न देता है उसको अल्फा कहते हैं, और बीटा का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, यानी कि जितने भी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हैं यदि 1 से नीचे यदि आपका बीटा है किसी भी फंड का तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड की जो होल्डिंग की बात की जाए तो इक्विटी में आप देख सकते हैं लगभग 85.99% इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया है, वो चाहे इंडियन इक्विटी हो या फिर फॉरेन इक्विटी हो, क्योंकि ये ओवरसीज इक्विटी में भी इनका कुछ एक्सपोजर है, तो इसलिए 86% इक्विटी में है इनका, और कैश में 13.21% है। डिपॉजिट वगैरह यानी फिक्स्ड इनकम जो सिक्योरिटी होती है उसमें भी इनका कुछ इन्वेस्टमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 0.25, कमर्शियल पेपर 0.05, ठीक है, और अदर्स में राइट्स वगैरह में भी इनका कुछ एक्सपोजर रहता है। तो इस तरीके से इनका जो है एलोकेशन है जो भी पोर्टफोलियो का, और आप देख सकते हैं सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है देखना, तो यहाँ देख सकते हैं प्राइवेट बैंक्स यानी फाइनेंस सेक्टर में 19.82% इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि अपने आप में देखा तो काफी अच्छा है। और बाकी इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकरेज आईटी सर्विसेज में 16% का है, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं सेक्टर वाइज में ये सारे सेक्टर्स इसमें हैं, माइनिंग है, पावर जनरेशन है, एफएमसीजी है, और फोर व्हीलर है, फार्मास्यूटिकल है, रिटेल्स है, मतलब ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है दोस्तों जो कि डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, आपका जो पैसा है वो काफ़ी तरीके से रिस्क को मैनेज करने के लिए हर जगह हर सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है। आपका मीडियम टर्म का आउटलुक हो चाहे आपका लॉन्ग टर्म का आउटलुक हो, आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि रिस्क यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया है। यदि कंपनी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी में HDFC बैंक है, बजाज है, ITC है, एक्सिस बैंक है, SCL टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी है, मतलब जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें पैसा इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। दोस्तों जो सेकेंड है वो है ब्लू चिप कैटेगरी का फंड यानी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड, तो यहाँ पे हमने ICICI ब्लू चिप फंड को ओपन कर रखा है, अभी क्या NAV 93 रुपीज की है। AUM आप देख सकते हैं 41,269 करोड़ का है। रिटर्न देख सकते हैं 15.86%, एक्सपेंस रेशियो 1.01%, अल्फा 4.29%, अगेन लार्ज कैप कैटेगरी में आपको अल्फा जनरेट करके मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। बीटा देखा जाए तो 0.9% है। होल्डिंग की बात करेंगे अभी जो भी लार्ज कैप फंड है पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा निपोन इंडिया का लार्ज कैप फंड जो कि अभी 77 रुपीज़ के आसपास NAV चल रही है। 18,000 करोड़ का फंड साइज है। रिटर्न 16.46% का रिटर्न है, 0.86% का आपका एक्सपेंस रेशियो है, और अल्फा 6.51% का अल्फा इसने जनरेट किया हुआ है। लार्ज कैप में आप काफ़ी अच्छा अल्फा देखने को मिल रहा है, और वॉलेटिलिटी की बात की जाए तो 1.02% की वॉलेटिलिटी है इसमें, रिटर्न भी अच्छा जनरेट करके दिया हुआ है। इसके बाद SBI का ब्लू चिप फंड जो कि सबका पसंदीदा है, 82 रुपये की इसकी NAV है, 38,000 करोड़ का फंड साइज है, और 15.72% का यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है, और एक्सपेंस रेशियो 0.88% का है, अल्फा 0.96% का अल्फा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अल्फा यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाया है दोस्तों। अब किस तरीके से इन लोगों ने फंड को मैनेज करा है, और बीटा जो है 0.93% है। अब दोस्तों आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों ही लार्ज कैप कैटेगरी के फंड है, तो तीनों का जो रिटर्न है वो मोर और लेस 15% के आसपास ही है। तो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको 15% से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमने ICICI का ब्लू चिप फंड ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे 3 ईयर्स में आप देख सकते हैं कि 21.47% का रिटर्न है, और 5 ईयर्स में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 17.62% का रिटर्न है। यदि ऑल टाइम की बात की जाए तो
15.86% का रिटर्न है। ज़्यादातर इन्वेस्टर 3 या 5 साल के रिटर्न को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट यदि अच्छा चल जाता है तो रिटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग अच्छा बन जाता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले आने वाले 3 साल या 5 साल में आपको उतना ही परसेंट रिटर्न जनरेट करके आपको मिलेगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म का यदि देखते हैं व्यू, 10 साल 15 साल या जब से वो फंड लॉन्च हुआ है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही रहती है। तो वहाँ पर यदि थोड़ा बहुत आपको बढ़ के भी मिलता है तो आपको खुशी रहती है, लेकिन मीडियम में 5 साल के आपने देखा 25% या 20%, आपने अगले 5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ये सोच के कि 20% का रिटर्न हमें मिल जाएगा। लेकिन यदि मार्केट मान लीजिए एडवर्स चला गया तो आपको लॉस हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलना चाहिए। दोस्तों होल्डिंग की बात की जाए तो लगभग 68 कंपनीज ने इस फंड में पैसे को एलोकेट करा हुआ है, और जो इंडिया की टॉप कंपनी ICICI बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें इन्होंने पैसे को एलोकेट करके रखा हुआ है। यदि होल्डिंग एनालिसिस की बात की जाए तो लगभग 93.7% इक्विटी में है, बाकी कैश में इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर वाइज यदि एलोकेशन यदि देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर में 25.2% का एलोकेशन है, अदर्स कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, मतलब लगभग हर एक सेक्टर में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। तो अगेन लार्ज कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा फंड है। इवन इसकी रैंकिंग भी आप चेक करेंगे तो नंबर 1 पे चल रहा है ये फंड, ICICI का ब्लू चिप फंड। और लार्ज कैप कैटेगरी में आपको जो भी फंड मिलेंगे वो मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप देखेंगे तो आपको वही 15-16% के बीच में ही मिलेगा, और उनकी जो होल्डिंग होती है लगभग सभी फंडों की होल्डिंग जो है लगभग मोर और लेस सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत ही कंपनी में फ़र्क होता है। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको बेंचमार्क उसका ज़रूर चेक करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ICICI का हमने ओपन कर रखा है और ये इसका बेंचमार्क है S&P BSE 100 TRI, कुछ जगहों पे आपको निफ्टी 100 भी मिलेगा। तो यहाँ पे इसका बेंचमार्क S&P BSE 100 है, और आप देख सकते हैं कि हमने ऑल टाइम बेसिस पे इस चार्ट को सेट किया हुआ है। ऑल टाइम बेसिस पे देख सकते हैं कि इस फंड ने यानी ICICI के ब्लू चिप फंड ने अपने बेंचमार्क को यहाँ पे बीट करते हुए रिटर्न दिया हुआ है। तो जो ब्लू चिप फंड होते हैं वो एक्टिवली मैनेज होते हैं, इसलिए आपको इंडेक्स को वो बीट करके रिटर्न देते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड आप चूज़ करते हैं इंडेक्स के इतना ही रिटर्न आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड का आप बेंचमार्क जरूर से कंपेयर करें, जो अल्फ़ा जनरेट करके दिया हुआ है दोस्तों, मैंने देखा कि तीनों ही म्यूचुअल फंड ने अल्फ़ा जनरेट करके दिया हुआ है, तो वो बेंचमार्क को बीट करके रिटर्न दिया हुआ है। तो आपको ज़रूर से एक बार चेक करना है कि चार्ट में भी बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया है। तो अगेन जैसे मैंने ICICI का चेक किया, वैसे आप SBI का भी चेक कर सकते हैं, निपोन इंडिया का भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं हर एक म्यूचुअल फंड का आपको चेक करके बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक ओवरऑल आपको एनालिसिस करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आते हैं वो भाई साहब के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 5 साल में 10 लाख रुपये बोले हैं कि हमें चाहिए, तो उन्होंने अपनी मंथली SIP बताई नहीं कितना है SIP करना या लमसम कितना करना। हालांकि 5 साल में 10 लाख रुपये लमसम से तो 15% के रिटर्न से तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन SIP के थ्रू आपका ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि लमसम में आपको मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, जब मार्केट डाउन जाएगा तब आपको उस पॉइंट पे आपको बाई करना होगा, जो कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, मार्केट को आपको टाइमिंग देनी पड़ेगी, इसलिए लमसम मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे SIP से आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आपका ये कैसे अचीव हो सकता है। तो 5 साल में आपको 10 लाख रुपये की जो रिक्वायरमेंट है, आप 12,000 रुपये महीने के यदि SIP को आप अफोर्ड कर सकते हैं, तब आपका जो है 10 लाख रुपये 15% के रेट ऑफ रिटर्न से बन सकता है। तो जैसे हमने देखा था कि निपोन इंडिया हो या फिर आपका पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड हो और SBI का ब्लू चिप हो या फिर आपका ICICI का ब्लू चिप फंड हो, ये सब फंडों में यदि आप 5 साल का नज़रिया रख रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 15% का रिटर्न हम लेके चल रहे हैं। हालांकि आपने देखा था कि 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में रिटर्न जो है कहीं 18% का था, कहीं 20% का था, लेकिन हम उस रिटर्न को ले करके अपना जो है कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी हम देख करके उसी रिटर्न को लेके कैलकुलेशन करते हैं। यदि आपको उतना रिटर्न मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम 15% से यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आएगा लगभग 7,20,000 रुपीज़ का आएगा, और आपके जो फाइनल वैल्यू यहाँ पे जो गेन आप करेंगे
356,180 का आप करेंगे, मतलब 7,20,000 आपको इन्वेस्ट करना है और आपका जो फाइनल वैल्यू यहाँ पे है 10,76,180 रुपये आपके यहाँ पे बन के आएगी। जो 12,000 रुपये की SIP आप करेंगे दोस्तों, उसको आपको एक फंड में नहीं लगाना है। जैसे आप थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए, थोड़ा आप जो है लार्ज कैप में डाल दीजिए, ठीक है। यदि आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो 15% का रिटर्न है थोड़ा सा आपको बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 15% का रिटर्न लेकर के आप चलेंगे तो आपका 12,000 रुपये की SIP आएगी। हाँ, यदि ये रिटर्न बढ़ेगा, मान लीजिए कि 18% या 19% हो गया, तो आपका जो SIP का अमाउंट है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल एक एनालिसिस की और लार्ज कैप कैटेगरी के फंड को हमने स्टडी किया। जो लोग 2024 में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मैंने बताया। आप इन फंड्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में पहले से यदि स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू फंड ये सब हैं तो आप लार्ज कैप फंड को भी जगह दे सकते हैं 2024 में। अपने पोर्टफोलियो को आप बैलेंस कर सकते हैं, बाकी जो फंड्स हैं उसमें भी लार्ज कैप का पोर्शन रहता है लेकिन कम रहता है, और लार्ज कैप में आपको प्योरली ज़्यादातर लार्ज कैप के स्टॉक्स मिल जाते हैं। और बाकी जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत ही कम रिस्क लेकर के, या फिर इसको टेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी लार्ज कैप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।